अरे कालू जी, अब मुझे नहीं लगता है कि जंगल का अब कोई भी पक्षी हमारी दुकान से पकौड़े खाएंगे। हाँ गोरी को भी तुम एकदम ठीक कह रही हो। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस तरह से तो हमारा पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। अरे कालू जी, क्यों ना हम जंगल के सभी पक्षियों को ये बोलें कि जो भी हमारी दुकान से पकौड़े खाएगा उसे ट्रेन की एक टिकट फ्री मिलेगी। अरे यहाँ गोरी को भी ये तो बहुत बढ़िया उपाय है, अब हम ऐसा ही करेंगे। बस फिर क्या था, रात को कालू कौवा और गोरी कौवी सभी पक्षियों को एक जगह बुलाकर उन्हें ये बात बता देते हैं। देखो पच्चियो, अब कल से जो भी हमारी दुकान पर पकौड़े खाने आएगा उसे हम एक ट्रेन की टिकट फ्री देंगे। अब कल से जिसे भी ट्रेन की टिकट फ्री चाहिए वो हमारी दुकान पर पकौड़े खाने आ जाना। फिर उसके बाद जंगल के सभी पक्षी अगले दिन से कालू कौवे और गोरी कौवी के ठेले से पकौड़े खाने लग जाते हैं। अरे सोनू जी, पता नहीं आज जंगल के सभी पक्षियों को क्या हो गया, आज ना तो कोई पक्षी हमारे ठेले से चाय पीने आया है और ना ही कोई भी पानी पूरी खाने के लिए आया है। अरे रानू चिड़िया, मुझे खुद ही नहीं पता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। हम एक काम करते हैं, हम खुद ही वहाँ चलकर उनसे पूछ लेते हैं। बस फिर ये सोचकर रानू चिड़िया और सोनू चिड़ा कालू कौवे की दुकान पर आ जाते हैं। अरे रानू चिड़िया और सोनू चिड़े, क्या हो गया, क्या आज तुम दोनों भी यहाँ पर ट्रेन की फ्री टिकट लेने आए हो? अरे तोते, ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे रानू चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं पता है, अब जो भी पक्षी रोज सुबह कालू कौवे की दुकान से पकौड़े खाता है, कालू कौवा उसे रोजाना ट्रेन की एक टिकट फ्री देता है। अरे कालू कौवे, ये क्या, ये तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसे तो कोई भी पक्षी हमारे ठेले पर पानी पूरी खाने नहीं आएगा। अरे रानू चिड़िया, तो फिर तुमने भी तो यही किया था, तुमने भी तो अपने ठेले पर पानी पूरी इसीलिए बेचना शुरू की थी ताकि कोई भी पक्षी हमारे ठेले पर पकौड़े खाने ना आ पाए। अरे नहीं नहीं कालू कौवी, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था, हम तो बस अपना कारोबार आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और वैसे भी ऐसे फ्री टिकट देने से तो तुम्हारा भी बहुत नुकसान होगा और हमारा भी काम नहीं चल पाएगा, ऐसे तो दोनों का ही नुकसान हो रहा है। हाँ तो तुम्हारी पानी पूरी की वजह से जंगल का कोई भी पक्षी हमारे पकौड़े भी तो नहीं खा रहा था, इससे हमारा भी तो नुकसान हो रहा था। गोरी बहन, अगर ऐसा है तो मैं अब से पानी पूरी बनाया करूँगी और ये कालू कौवा ट्रेन के अंदर जाकर वो पानी पूरी बेचा करेगा, इससे हम दोनों का ही कारोबार अच्छे से चलता रहेगा। अरे यहाँ रानू बहन, तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है, तुम लोग ऐसा ही करो, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, तुम अपनी पानी पूरी के काम को और भी ज्यादा आगे बढ़ा लेना ताकि तुम दोनों बराबर के हिस्सेदार हो सको उसमें। अच्छा तो ठीक है रानू चिड़िया, अब से हम दोनों का जो भी मुनाफा होगा पानी पूरी में से, हम दोनों उसे आधा आधा बांट लिया करेंगे। बस फिर क्या था, फिर अगले दिन से कालू कौवा रानू चिड़िया की बनाई हुई पानी पूरी ट्रेन में पक्षियों को बेचने लगता है, इसी तरह उन दोनों का कारोबार अच्छे से चलने लगता है। एक खूबसूरत से जंगल में कई प्रकार के पक्षी रहते हैं, वो सभी पक्षी अपना अपना काम करते हैं। उसी जंगल में रानू चिड़िया अपने पति सोनू चिड़ा के साथ रहती है। रानू चिड़िया और उसके पति सोनू चिड़ा की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। रानू चिड़िया और सोनू चिड़ा वहीं रेलवे स्टेशन पर ही मुसाफिरों को अपनी चाय पिलाते थे। रानू चिड़िया के बगल में ही कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। वो दोनों भी रानू चिड़िया के बगल में ही
रेलवे स्टेशन पर पकौड़े बेचा करते थे। एक दिन कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी पकौड़े बेचते समय अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, रेलवे स्टेशन पर पकौड़े का ठेला लगाने से हमारा काम कितना अच्छा चल रहा है। हाँ गोरी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। जो भी पक्षी ट्रेन से उतरकर रानू चिड़िया की चाय पीता है, वो पक्षी हमारे पकौड़े भी जरूर खाता है। हाँ कालू जी, अगर रानू चिड़िया की चाय की दुकान हमारे बगल में नहीं होती तो हमारा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा होता। फिर ऐसे ही एक दिन वो रानू चिड़िया अपना काम खत्म करके अपने घर आ जाती है। तब उसका पति सोनू चिड़ा उससे कहता है, अरे रानू चिड़िया, आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आज तुम खाने में क्या बना रही हो? कुछ अच्छा ही बनाना, क्योंकि आज ज्यादा भूख लग रही है। वैसे सोनू जी, आज आपको क्या खाना है आप मुझे बता दो, मैं वही बना दूंगी जो आपको अच्छा लगेगा। अरे वाह वाह रानू चिड़िया, बढ़िया तो सब कुछ होता है, लेकिन मैं क्या बताऊँ अपनी तरफ से। तुम एक काम करो, तुम खुद ही अपनी पसंद की कोई बढ़िया सी 2-3 पकवान बना दो। अरे लेकिन सोनू जी, मैं अपनी तरफ से क्या अच्छा सा बना दूँ? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें कुछ अच्छा सा खाना है, तो तुम ही बताओ ना कि तुम्हें क्या खाना है। अच्छा तो ठीक है रानू चिड़िया, मैं ही बता देता हूँ। तुम एक काम करो, अपने हाथों की मेरे लिए पानी पूरी बना दो। तुम पानी पूरी बहुत ही अच्छी बनाती हो, और वैसे भी तुम्हारे हाथ की पानी पूरी खाए बिना तो ना जाने कितने दिन हो गए होंगे, क्योंकि तुम पानी पूरी बहुत ही टेस्टी बनाती हो। अच्छा तो ठीक है सोनू जी, बस थोड़ा समय लगेगा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी पूरी बना कर ले आती हूँ। बस फिर क्या था, रानू चिड़िया कुछ ही देर में अपने हाथों से पानी पूरी बना कर ले आती है। रानू चिड़िया, मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों अपने कारोबार को और भी आगे बढ़ाएं, ताकि हम दोनों और भी ज्यादा तरक्की कर सकें। अरे पर सोनू जी, आप कहना क्या चाहते हो, मैं समझी नहीं। अभी भी तो हमारा कारोबार अच्छा ही चल रहा है। अरे रानू चिड़िया, मैं सोच रहा था कि तुम देखो ना पानी पूरी कितनी स्वादिष्ट बनाती हो, तो क्यों ना हम अपनी चाय के साथ पानी पूरी भी बेचें, तो हमारी और भी ज्यादा कमाई होगी। अरे हाँ सोनू जी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, और वैसे भी मुझे तो पता है कि जंगल के सभी पक्षियों को मेरे हाथ की पानी पूरी बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, अगले दिन से रानू चिड़िया और सोनू चिड़ा अपने ठेले पर चाय के साथ पानी पूरी भी बेचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कालू कौवा ये सब देखता है तो वो अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, अरे गोरी कौवी, ये क्या, ये रानू चिड़िया अपनी दुकान पर पानी पूरी कब से बेचने लग गई है? अरे नहीं नहीं कालू जी, मुझे नहीं पता कि रानू चिड़िया ने ऐसा कब से करना शुरू कर दिया है। चलो हम उसके पास जाकर उससे खुद ही पूछ लेते हैं। ये कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया की और सोनू की पानी पूरी की ठेले के पास आ जाते हैं। अरे अरे क्या हुआ कालू कौवी और गोरी कौवी, आप दोनों मेरी दुकान पर क्यों आए हो? अरे नहीं नहीं रानू चिड़िया, हम कोई खास काम से तो नहीं आए थे, बस हम तो ये पूछने आए थे कि तुमने अपनी चाय के ठेले पर ये पानी पूरी कब से बेचना शुरू कर दी है। अरे कालू भैया, बस ऐसे ही हमने अपने ठेले पर पानी पूरी बेचना भी शुरू कर दिया है, और हम तो तुम्हें भी कहते हैं कि तुम भी अपने कारोबार को आगे बढ़ाओ। अरे रानू चिड़िया, तुम तो रहने ही दो, हमने तुमसे कम मशवरा मांगा है जो तुम हमें मशवरा दे रही हो। फिर वो दोनों वहाँ बैठे होते हैं कि तभी थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया के ठेले पर कुछ मुसाफिर पक्षी भी आ जाते हैं। अरे वाह रानू बहन, तुमने तो बहुत अच्छा किया है जो तुमने पानी पूरी भी बेचना शुरू कर दी है।
अरे लाओ भाई रानू चिड़िया, जरा हमें भी तो अपने हाथों की पानी पूरी खिलाओ। अरे पर पचियो, तुम सब तो ट्रेन से उतरने के बाद मेरे पास पकौड़े खाने आते थे ना, तो अब तुम ये पानी पूरी क्यों खा रहे हो? अरे पर कालू भैया, जब हमें पानी पूरी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो हम तो पानी पूरी ही खाएंगे। वो हमारी मर्जी, हम चाहे पकौड़े खाएं या पानी पूरी, इससे आपको क्या लेना देना। बस फिर ये सुनकर तो कालू कौवा और गोरी कौवी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों अपने ठेले पर वापस आ जाते हैं। तब गोरी कौवी कहती है, अरे कालू जी, अब मुझे नहीं लगता है कि जंगल का अब कोई भी पक्षी हमारी दुकान से पकौड़े खाएंगे। हाँ गोरी कौवी, तुम एकदम ठीक कह रही हो, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस तरह से तो हमारा पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। अरे कालू जी, क्यों ना हम जंगल के सभी पक्षियों को ये बोलें कि जो भी हमारी दुकान से पकौड़े खाएगा उसे ट्रेन की एक टिकट फ्री मिलेगी। अरे यहाँ गोरी को भी, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है, अब हम ऐसा ही करेंगे। बस फिर क्या था, रात को कालू कौवा और गोरी कौवी सभी पक्षियों को एक जगह बुलाकर उन्हें ये बात बता देते हैं। देखो पक्षियों, अब कल से जो भी हमारी दुकान पर पकौड़े खाने आएगा उसे हम एक ट्रेन की टिकट फ्री देंगे। अब कल से जिसे भी ट्रेन की टिकट फ्री चाहिए वो हमारी दुकान पर पकौड़े खाने आ जाना। फिर उसके बाद जंगल के सभी पक्षी अगले दिन से कालू कौवी और गोरी कौवी के ठेले से पकौड़े खाने लग जाते हैं। अरे सोनू जी, पता नहीं आज जंगल के सभी पक्षियों को क्या हो गया, आज ना तो कोई पक्षी हमारे ठेले से चाय पीने आया है और ना ही कोई भी पानी पूरी खाने के लिए आया है। अरे रानू चिड़िया, मुझे खुद ही नहीं पता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। हम एक काम करते हैं, हम खुद ही वहाँ चलकर उनसे पूछ लेते हैं। बस फिर ये सोचकर रानू चिड़िया और सोनू चिड़ा कालू कौवी की दुकान पर आ जाते हैं। अरे रानू चिड़िया और सोनू चिड़े, क्या हो गया, क्या आज तुम दोनों भी यहाँ पर ट्रेन की फ्री टिकट लेने आए हो? अरे तोते, ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे रानू चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं पता है, अब जो भी पक्षी रोज सुबह कालू कौवे की दुकान से पकौड़े खाता है, कालू कौवा उसे रोजाना ट्रेन की एक टिकट फ्री देता है। अरे कालू कौवे, ये क्या, ये तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसे तो कोई भी पक्षी हमारे ठेले पर पानी पूरी खाने नहीं आएगा। अरे रानू चिड़िया, तो फिर तुमने भी तो यही किया था, तुमने भी तो अपने ठेले पर पानी पूरी इसीलिए बेचना शुरू की थी ताकि कोई भी पक्षी हमारे ठेले पर पकौड़े खाने ना आ पाए। अरे नहीं नहीं कालू कौवी, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था, हम तो बस अपना कारोबार आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और वैसे भी ऐसे फ्री टिकट देने से तो तुम्हारा भी बहुत नुकसान होगा और हमारा भी काम नहीं चल पाएगा, ऐसे तो दोनों का ही नुकसान हो रहा है। हाँ तो तुम्हारी पानी पूरी की वजह से जंगल का कोई भी पक्षी हमारे पकौड़े भी तो नहीं खा रहा था, इससे हमारा भी तो नुकसान हो रहा था। गोरी बहन, अगर ऐसा है तो मैं अब से पानी पूरी बनाया करूँगी और ये कालू कौवा ट्रेन के अंदर जाकर वो पानी पूरी बेचा करेगा, इससे हम दोनों का ही कारोबार अच्छे से चलता रहेगा। अरे यहाँ रानू बहन, तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है, तुम लोग ऐसा ही करो, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, तुम अपनी पानी पूरी के काम को और भी ज्यादा आगे बढ़ा लेना ताकि तुम दोनों बराबर के हिस्सेदार हो सको उसमें। अच्छा तो ठीक है रानू चिड़िया, अब से हम दोनों का जो भी मुनाफा होगा पानी पूरी में से, हम दोनों उसे आधा आधा बांट लिया करेंगे। बस फिर क्या था, फिर अगले दिन से कालू कौवा रानू चिड़िया की बनाई हुई पानी पूरी ट्रेन में पक्षियों को बेचने लगता है।
इसी तरह उन दोनों का कारोबार अच्छे से चलने लगता है। टील बहन प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी घर पर अकेली है, वो मेरे बिना कैसे रहेगी, मुझे उसके लिए भोजन लेकर भी जाना है, प्लीज चील बहन मुझे छोड़ दो। मेरा नाम माया चील है, अगर मैं एक बार अपने शिकार को पकड़ लेती हूँ तो उसे वापस घर नहीं जाने देती, सीधा अपने पेट में ले जाती हूँ, अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। ये कहकर चील उसे खा लेती है। दूर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था, तब वो रोते हुए कहता है, चिड़िया बहन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और अब मैं घर जाकर तुम्हारी बेटी को क्या जवाब दूंगा, और अब उसका ध्यान कौन रखेगा। शाम भी होने वाली है, लेकिन अभी तक मेरी मम्मा घर क्यों नहीं आई, और वैसे भी मेरी मम्मा तो हर रोज कहती हैं कि बेटा शाम होने से पहले पहले घर आ जाना चाहिए, तो फिर मेरी मम्मा कहाँ रह गयी, आप सब मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, कहाँ है मेरी मम्मा। कौवे भैया आप ही मुझे बताओ कहाँ है मेरी मम्मा, आप तो उनके साथ गए थे ना, फिर मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। वैसे कालू मेरे ख्याल में तो रानू को सच सच बता देना चाहिए कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। तोते भैया अभी ये बच्ची है, इतना बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए हम इससे यही कहते हैं कि इसकी मम्मा रास्ता भूल गई है, वो कल तक वापस आ जाएगी। पर कालू फिर कल बताना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आज ही बता दो। लेकिन तोते भैया कल ही बताना बेहतर है। रानू बेटा तुम्हारी मम्मा और मैं दोनों भोजन लेने दूसरे जंगल गए थे, तभी रास्ते में आंधी तूफान आ गया था, जिस वजह से तुम्हारी मम्मा रास्ता भूल गयी और मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए तुम परेशान मत हो, वो कल तक वापस आ जाएगी। क्या तुम्हें भूख लगी है तो तुम खाना खा लो, अगर नहीं है तो हम दे देते हैं। नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे तो बस अपनी मम्मा के पास जाना है, मैं तो अब अपने घर जा रही हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, ये दोनों इसे संभाल लेंगे। ये कहकर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। लेकिन रानू चिड़िया को ये बात कोई नहीं बता रहा था कि रानू चिड़िया की मम्मा को तो एक जालिम चील ने पकड़कर खा लिया है। तोते भैया आज रात आप रानू चिड़िया को अपने घोंसले में ले जाओ, क्योंकि ये रात को अकेली यहाँ पर डरेगी। देखो कालू तुम्हें तो पता है कि मेरा घोंसला बहुत छोटा है और बहुत कमजोर भी है, और मेरे तो पहले से ही दो बच्चे हैं, तो तुम ऐसा करो इसे तुम ले जाओ अपने साथ, वैसे भी तुम्हारा घोंसला तो बहुत बड़ा है। ये कहकर तोता भी वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जो कि रानू चिड़िया के घोंसले के पास ही रहता था, लेकिन वो भी रानू चिड़िया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, और वो कहता है, चलो रानू अब मैं भी चलता हूँ, तुम्हारी गोरी आंटी मेरा इंतजार कर रही होंगी, अब मैं कल सुबह आऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया घोंसले में अकेली रह जाती है। तब वो कहती है, मम्मा मम्मा मुझे आपके बिना घोंसले में डर लगेगा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी मम्मा, आप वापस आ जाओ। फिर रात भी हो जाती है। रानू चिड़िया रात भर अपनी मम्मा के ख्याल सोच सोच कर रोती रहती है। पता नहीं क्यों वो कालू अंकल मुझे मेरी मम्मा के बारे में सच क्यों नहीं बता रहे, आखिर ऐसा क्या हुआ है। फिर ऐसे रो रो कर रानू चिड़िया की हिचकी बन जाती हैं। मम्मा मम्मा आप वापस आ जाओ, मुझे डर लग रहा है, मम्मा मम्मा आप आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मम्मा आप अभी आ जाओ। रानू रानू मेरी बच्ची मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मम्मा मम्मा आप कहाँ हो, आप मुझे नजर नहीं आ रही हो। हाँ मेरी बच्ची मैं तुम्हारे पास तो हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी, मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर इतनी छोटी सी उम्र में और इतनी दूर चली गई, मेरी बच्ची आज मुझे एक जालिम चील ने खा लिया था, इसलिए अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मम्मा आप ऐसा मत कहो, अब मुझे कौन खाना खिलाए करेगा और मेरी देखभाल कौन किया करेगा,
प्लीज मम्मा आप ऐसा मत कहो और वापस आ जाओ मम्मा। मेरी बच्ची एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। अच्छा मैं चलती हूँ। फिर इस तरह से रानू चिड़िया सारी रात रोती रहती है और अपनी मम्मा को पुकारती रहती है। फिर अगली सुबह तोता कालू से कहता है, मुझे पता है कि कोई भी रानू चिड़िया का ध्यान नहीं रखेगा और कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो किसी ने भी इसकी मासी को इसका संदेश भेजा है या नहीं? तोते भैया मुझे तो इस सब का ख्याल ही नहीं आया। देखो कालू हमें संदेश भेजना चाहिए क्योंकि वो फिर भी इसकी माँ का ही खून है, तो हम इसकी मासी को संदेश भेज देते हैं ताकि वो उसका ख्याल तब भी रखेगी। वैसे तोते भैया मुझे जाना तो है दूसरे जंगल, तो मैं इसकी मासी को भी इसके बारे में बता दूंगा। ये कहकर तोता और कालू कौवा रानू चिड़िया की तरफ जाते हैं। मेरी मम्मा को एक चील ने खा लिया है और फिर भी आप लोगों ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। हाँ बेटा ऐसा ही है, लेकिन इस सब के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ये सब मेरी मम्मा ने बताया। वो आई थी मेरे पास मगर वो मुझे दिख नहीं रही थी और उन्होंने मुझे सब बता दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अब मुझे अकेले रहने सीखना होगा क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। हाँ बेटा तुम्हारी मम्मा ने जो जो कहा है सब सच है अगर तुम जानी गई हो तो। वैसे कालू अगर तुम रानू को अपने साथ ही ले जाओ तो इसकी मासी के पास। हाँ तोते भैया ये ठीक है, लेकिन एक बार रानू से तो पूछ लो, अगर इसने मना कर दिया तो। ठीक है कालू मैं पूछता हूँ। रानू पास वाले जंगल में तुम्हारी मासी रहती हैं, अगर तुम वहाँ रहो तो तुम चली जाओ। लेकिन तोते अंकल ये मेरा घर है और इसमें मेरी मम्मा की यादें हैं, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? नहीं बेटा जिंदगी में दुख और सुख तो आते रहते हैं और तुम जहाँ भी रहोगी तुम्हारी मम्मा की यादें तुम्हारे साथ ही रहेंगी। और ये भी सच है कि जो प्यार अपने बच्चे को मम्मी पापा दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। हम तो सिर्फ तुम्हें तसल्ली दे सकते हैं। जो दुख तुम्हें हुआ है हम उसे बांध तो सकते हैं, लेकिन बेटा हकीकत यही है कि तुम्हारी मम्मा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, सिर्फ तुम्हारे मम्मा के। तो ठीक है आप मुझे मेरी मासी के पास छोड़ाओ, इसी में आपकी भलाई होगी और मैं भी अपनी मासी के पास रह लूंगी। हाँ हाँ ठीक है रानू बेटी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मासी के पास छोड़ आता हूँ। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे के साथ अपनी मासी के घर की तरफ चली जाती है। तब रास्ते में कालू कौवा कहता है, रानू बेटी देखो वो सामने है तुम्हारी मासी का घर। मैं अपनी मासी के घर पहली बार जा रही हूँ कालू अंकल, और मैंने तो उनका घर देखा तक नहीं है। बेटी वो तुम्हारी माँ का खून है, इसलिए अब तुम अपनी मासी के घर ही सुरक्षित रहोगी। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? पिंकी बहन वो क्या ना, दो तीन दिन पहले मैं और तुम्हारी बहन दोनों भोजन लेने गए थे, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में तुम्हारी बहन पर एक जालिम चील ने हमला कर दिया और वो उसे मार कर खा गई। तब से तुम्हारी ये छोटी बेटी अकेली रह गई, इसलिए हमने सोचा कि हम इसे तुम्हारे पास छोड़ दें। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बहन तुम हम सबको छोड़कर ऐसे क्यों चली गई? पिंकी बहन अच्छा मैं चलता हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया जो आप मेरी बच्ची को मेरे पास ले आए। फिर कालू वहाँ से चला जाता है और पिंकी रानू को घोंसले में ले आती है। रानू मेरी बच्ची अब तुम इसी घोंसले को अपना समझ लो, तुम्हारी मम्मा का तो जीवन ही इतना था, लेकिन तुम मुझ में अपनी मम्मा का प्यार महसूस जरूर करोगी। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा जैसा ही प्यार करूँगी। जी मासी मैं आपको अपनी मम्मा ही समझूंगी, लेकिन मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आती है। बस मेरी बच्ची अब तुमने बहुत रो लिया, अब मैं तुम्हें और नहीं रोने दूंगी, अब तुम चुप हो जाओ
और मेरे साथ खुशियां भरी जिंदगी गुजारना। फिर इस तरह से रानू अपनी मासी को अपनी माँ समझ लेती है और उसके साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया की माँ की मौत कैसे हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।